नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और मैं हूं आपके साथ अशरफ अंसारी। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर में और हम आपको लाए हैं आज एक किस चाय की ठेली पर। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक ठेली है यहाँ पर और यहाँ के पराठे बहुत स्वादिष्ट हैं। यहाँ पर लोग जमा होते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं और वो यहाँ पर नाश्ता करते हैं। यहाँ की फेवरेट जो चीज़ मशहूर है वो है पराठा। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ किस तरीके से इनकी रेसिपी है और कैसे बनाते हैं ये पराठा, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद है जी, क्या नाम है आपका? ललित राव सर। कैसे बनाते हैं आप पराठा और क्या चीज़ इसमें डालते हैं आप, क्या जो टेस्टी बन रहा है, स्वादिष्ट बन रहा है? सर कुछ नहीं, इसमें नॉर्मली जैसा हम बनाते हैं वैसे नॉर्मल बनता है, बाकी और कुछ नहीं। जो और क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ फेमस हैं, क्या क्या चीज़ें आप बनाते हैं सर? जैसे कि सर अपना मैगी हो गया, एग और परौंठे हो गए। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर नाश्ता करने आते हैं। और जी आपका क्या नाम है, आप यहाँ आते हैं, क्या फेमस है यहाँ पराठे के बारे में जो चर्चा है, क्या वो बात है? किस तरह पराठा बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर, खाने के बाद आदमी दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करता। ये रेट बहुत मुनासिब है, इसलिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, कोई भी किसी किस्म की दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ हमको बहुत पसंद है। सादा खाना है, बहुत अच्छा है। ग्राहकों का कहना है, आप जैसे सुन पा रहे हैं, पराठे बहुत स्वादिष्ट हैं, मुनासिब रेट में हैं, इसलिए हम यहाँ पर बार बार आना पसंद करते हैं। और यहाँ हमारे साथ एक शख्स और मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हो यहाँ के पराठे के बारे में। जी हेलो। हाँ जी, बहुत बढ़िया पराठे बनते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं और किसी किस्म की इसमें परेशानी नहीं है। टेस्ट अच्छा है क्या? मतलब टेस्ट बढ़िया है, ये बढ़िया टेस्ट है। हाँ जी, आप बार बार खाने आते हैं? हाँ, बार बार खाने आते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, आपने सुना, उनका भी कहना है टेस्ट बहुत अच्छा है, बार बार वो यहाँ पर खाने आते हैं, मुनासिब रेट है, सबसे अच्छी बात ये है। और इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमेशा भीड़ यहाँ पर बनी रहती है, लोग यहाँ पर नाश्ता करने आते हैं। पराठे फेमस हैं, उसके साथ राजमा जो ये देते हैं वो और इसमें चार चांद लगा देता है। आइए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। और उस ठेली के पास ही एक चाय की टपरी है जो चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। यहाँ पर भी पराठे खाने के बाद लोग चाय पीने ज़रूर आते हैं, काफ़ी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसी है इनकी चाय। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी सिंह राठौर है। सर आप यहाँ चाय पीने आए हैं? हाँ डेली आता हूं। लगती है चाय? बहुत बढ़िया चाय है। और आप पराठे भी खाने आते होंगे? पराठे भी बनाते हैं, बहुत बढ़िया। हमारे रवि भाई पंडित जी हमारे चाय बनाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। जी आपने सुना, उनका कहना है चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, वो पराठे खाने के बाद अक्सर यहाँ चाय पीने आते हैं, चाय टेस्टी है और बहुत अच्छी बनाते हैं और मुनासिब ही रेट है सभी चीज़ों के यहाँ। तो देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया।